गुड मॉर्निंग यू आर डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से मसीह सेवाश्रम के ऑनलाइन स्टडी चैनल पे। आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 12 मैथ्स के मैट्रिक्स टॉपिक को। इस मैट्रिक्स टॉपिक में के प्रीवियस लेक्चर में आपने पढ़ा था कि किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कैसे करते हैं, परिवर्त अव्यूह कैसे निकालते हैं। एक और एग्जाम्पल उसके बेस्ट, ए कोई मैट्रिक्स है, सपोज करिए 3x3 का है, तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ये एलिमेंट दिए गए हैं। ये 3x3 का मैट्रिक्स है, एलिमेंट दिए गए हैं, ये एलिमेंट रैंडमली लिया गया है, आप चाहें तो इसको इंटरचेंज कर सकते हैं। इसका जब ट्रांसपोज निकालेंगे तो ऑब्वियसली उसका भी अगर 3x3 भी होगा, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल है, तो भी 3x3 का ही आएगा। और प्रीवियस लेक्चर में आपने देखा था कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर इंटरचेंज करते हैं, उसका ट्रांसपोज निकालते हैं, तो उसके डायगोनल के एलिमेंट क्या होते हैं, वो सेम होते हैं। तो डायगोनल के एलिमेंट चेंज नहीं होंगे, बस रो वाला कॉलम के अलग चेंज किया जाएगा। तो पहला रो पहले कॉलम में आएगा, तो 1, 2, 3 रो के अलग में आएगी, कॉलम के अलग में आएगा तो आएगा 1, 2, 3। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम के अलग आएगा तो 4, 5, 6, तो इधर आ जाएगा 4, 5, 6। ये 7, 8, 9 थर्ड रो में थर्ड कॉलम में आएगा, ये आएगा 7, 8, 9। तो इस तरह से ये 3x3 का एक मैट्रिक्स था। आपने रो को क्या किया, कॉलम में इंटरचेंज कर दिया, तो रो को कॉलम में इंटरचेंज करने के बाद क्या मिला, उसका ट्रांसपोज मैट्रिक्स मिल गया। तो फर्स्ट रो वो फर्स्ट कॉलम के अलावा, सेकंड रो सेकंड कॉलम हो गया, थर्ड रो थर्ड कॉलम के अलावा हो गया, ऑर्डर वही रहेगा। आप देख सकते हैं कि जो डायगोनल के एलिमेंट है वो इंटरचेंज नहीं हुए, तो 1, 5, 9 तो वही 1, 5, 9, मतलब A11, A22, A33, A44 इस तरह के पोजीशन वाले जो भी एलिमेंट होंगे डायगोनल के, वो क्या होंगे, वो इंटरचेंज नहीं होंगे। बाकी सारे एलिमेंट क्या हो सकते हैं, इंटरचेंज हो सकते हैं। यहाँ पर देखा आपने A12 जो है वो A21 बना, A13 A31 बना, A23 A32 बना, A32 A23 बना, ठीक है। तो इस तरह से आपने देखा कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका ऑर्डर 3x3 का हो, तो उसको कैसे इंटरचेंज करते हैं। तो करना कुछ नहीं होता है, बस किसी एक रो को जो हॉरिजॉन्टल लाइन है उसको वर्टिकल लाइन में इंटरचेंज करने चले जाते हैं। तो यही आपका होता है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब ट्रांसपोज किसी मैट्रिक्स का जब ट्रांसपोज फाइंड आउट करते हैं, तो ट्रांसपोज की एक प्रॉपर्टी भी होती है, तो कुछ बेसिक सी प्रॉपर्टी है। कोई भी मैट्रिक्स अगर ये दिया गया हो, उसका ट्रांसपोज निकाला गया हो, और उसके ट्रांसपोज का फिर से ट्रांसपोज निकालें, तो वही मैट्रिक्स ए बन जाया करता है। कोई भी मैट्रिक्स दिया गया है, उसका ट्रांसपोज निकाला जाए, और फिर ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकाला जाए, तो क्या मिलेगा, वही मैट्रिक्स मिलेगा। एग्जाम्पल से आप इसको समझ सकते हैं। अभी एक्सरसाइज के प्रॉब्लम में कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, वहां पे आपको ये सॉल्व कराया जाएगा। सेकेंड जो प्रॉपर्टी है, ए प्लस बी दो मैट्रिक्स है, दोनों का सम करें, और दोनों का सम करने के बाद उसका क्या करें, ट्रांसपोज करें। जो ट्रांसपोज होगा वो ए डैश प्लस बी डैश के इक्वल आएगा, मतलब ए प्लस बी, ए मैट्रिक्स है बी मैट्रिक्स है, दोनों मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर, दोनों को ऐड करें फिर उसका ट्रांसपोज करें, या फिर दोनों को ट्रांसपोज करने के बाद ऐड करें, तो क्या आएगा, ये दोनों इक्वल आता है। थर्ड प्रॉपर्टी, इसे रिवर्सल रूल भी कहते हैं। ए बी दो मैट्रिक्स ए और बी है, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करें, और दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करने के बाद क्या करें, उसका ट्रांसपोज करें, तो जो उसका ट्रांसपोज आएगा वो क्या आएगा, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आएगा, ए डैश इंटू बी डैश नहीं, बी डैश इंटू ए डैश के इक्वल आएगा। ये तीन प्रॉपर्टी दिया गया है। एक प्रॉपर्टी और है कि कोई मैट्रिक्स कि ए जहाँ के कोई कांस्टेंट है, ये कोई कांस्टेंट है, ए कोई मैट्रिक्स है, इसका अगर ट्रांसपोज निकाले तो वो आएगा के इंटू ए का ट्रांसपोज, ठीक है। तो ये बनेगा। तो चार प्रॉपर्टीज है एक्सरसाइज में, इस तरह के प्रॉब्लम दिए गए हैं। ये सेकेंड थर्ड और फोर्थ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उसको वहाँ पे डिस्कस करेंगे। बस क्वेश्चन नंबर 1 को इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं, जो 1 वाला एग्जांपल है उसको कैसे सॉल्व करेंगे। वेरीफाई करने के लिए एक छोटा सा मैट्रिक्स ए ले लेंगे, ये कोई मैट्रिक्स मैंने समझा 1, 2, 3, सपोज करिए ये एक रो और तीन कॉलम का मैट्रिक्स है 1x3 का। अब इसका ट्रांसपोज का ट्रांसपोज निकालें तो क्या मिलना चाहिए, यही मैट्रिक्स मिलना चाहिए। पहले मैं ट्रांसपोज निकाल रहा हूँ, ए टी से दिखा सकते हैं, ए डैश से दिखा सकते हैं। तो 1x3 का है, जब इसका ट्रांसपोज निकालेंगे तो 3x1 का होगा, मतलब एक रो है एक कॉलम बनेगा, तो ये 1, 2, 3 बनेगा, ये 3x1 बनेगा। फिर
फिर इसका ट्रांसपोज निकालना है ए थ्री का फिर थ्री, तो क्या मिलेगा, ये थ्री क्रॉस वन का है, अब इसका ट्रांसपोज निकाला तो क्या मिलेगा, तो ये वन टू थ्री, ये कॉलम के लॉन्ग है, रो के लॉन्ग हो जाएगा, फिर बनेगा वन टू थ्री का मतलब वन क्रॉस थ्री का। आप देख सकते हैं यहाँ पे ए मैट्रिक्स दिया गया था वन क्रॉस थ्री का, ए के पावर टी निकाला, उसका ट्रांसपोज निकाला तो थ्री क्रॉस वन का बना, और फिर जब इसका भी ट्रांसपोज किया तो क्या बना, वन क्रॉस थ्री का, ये मैट्रिक्स ए के बराबर आ गया। आप देख सकते हैं कि एक का ट्रांसपोज फिर उसका ट्रांसपोज वो ए के बराबर है, इसलिए कह सकते हैं कि किसी भी मैट्रिक्स का अगर ट्रांसपोज करें फिर उसका ट्रांसपोज करें तो जो मैट्रिक्स मिलेगा वो उसी मैट्रिक्स के इक्वल आएगा, ये ए के बराबर है, मैट्रिक्स ए के बराबर है, देख सकते हैं आप, ठीक है। तो इस तरह से इसको वेरीफाई कर सकते हैं, और भी एग्जाम्पल्स लेके आप चाहें तो और भी जो दो तीन प्रॉपर्टीज दिए गए हैं उसको आप वेरीफाई कर सकते हैं। आपके लिए एक होमवर्क होगा, तीनों चारों प्रॉपर्टीज पे एक एक एग्जांपल लेके आप क्या करें उसको वेरीफाई करिएगा। नेक्स्ट लेक्चर पे हम सिमेट्रिक मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स की बात करेंगे। ओके, थैंक यू।